नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेक लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे धमार, तराना, ठुमरी और दादरा पर, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी HOD हैं भारती कॉलेज के संगीत विभाग में। इनका संबंध रामपुर सदारंग परम्परा से है और ये शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। सरिता जी ने कई किताबें लिखी हैं और कई शोध पत्रों में संगीत की व्याख्या की है, संगीत के गुणों को बताया है, समझाया है। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर संगत करेंगे लाल बाबू राय जी, जो शिष्य हैं पंडित मिथिलेश जी के, और तानपुरे पर इनके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। तो तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और इनके साथ संगत करने आए लाल बाबू राय जी और गगनजीत कौर जी। तो सरिता जी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को या वो लोग जो संगीत में रुचि रखते हैं उन्हें आप धमार, तराना, ठुमरी और दादरा पर विशेष व्याख्यान दें। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने इससे पहले के व्याख्यान में ध्रुपद नामक जो है एक गायन शैली उसके बारे में चर्चा की थी, तो मैं ध्रुपद के बारे में इसलिए शुरू हुई क्योंकि ध्रुपद भी मध्यकालीन भारत के समय, उस समय ये गायन शैली जो है ये प्रचार में आई। और इस गायन शैली में जहाँ तक साहित्य की बात थी, जहाँ तक उसके विषय वस्तु की बात थी, वो विषय वस्तु कहीं पर भक्ति संगीत या आध्यात्म के इर्द गिर्द रह गई। ऐसा नहीं था कि सभी आध्यात्म पर थी, कुछ इस प्रकार के विषय भी थे जहाँ पर राग का वर्णन या रागों का लक्षण जो है वो बताया गया हो, या जहाँ पर कुछ वीरता से भरी हुई जो है विषय वस्तु को भी लिया गया, वीर रस से युक्त जिसे कहा जाए, या कुछ इस प्रकार भी थी जहाँ पर जो है किसी सम्राट का, किसी महान व्यक्ति का वर्णन हो, इस प्रकार से भी ध्रुपद उपलब्ध थे। तो इन ध्रुपदों में या इन विषय वस्तुओं में हमने ये देखा कि कहीं पर श्रृंगार रस जो है वो कहीं पर उसका लोप था। तो ये श्रृंगार जो है वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका यहाँ पर जो एक उसकी एब्सेंस जो है एक वैक्यूम सा नज़र आया, तो शायद इसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है धमार नामक जो एक गायन शैली थी ये प्रचार में आई। धमार जो है उसका जो गायन था वो ध्रुपद के बाद उसका गायन होता था। और अब ये आपको बताएंगे कि धमार वो है क्या, किस प्रकार की शैली थी, कैसे इसका किस प्रकार से ये प्रचार में आई, और इसकी जो पूरी विस्तृत जो जानकारी है वो अब हम आपको देंगे। धमार शब्द जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ आप लें तो कहीं पर मिलता जुलता ये शब्द धमाल से मिलता जुलता जान पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, धमाल से इसका जो है काफ़ी एक संबंध है। धमाल शब्द जो है हमारे भारतीय परंपरा में हमारे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमारा त्यौहार है, उसे हम होली या फाग कहते हैं। तो धमाल जो है ये होली या फाग जो है इस पर्व से इसका संबंध है। विषय वस्तु के रूप में इसको देखें, या हम कहें कि उस प्रकार के रस की बात करें, या उस प्रकार के साहित्य की बात करें, सभी ओर से इसका संबंध जो है वो होली या फाग से है। और अक्सर आपने होली के समय आप एक शब्द का प्रयोग अधिकतर आप सुनते होंगे, वो है धमाल चौकड़ी, कि धमाल चौकड़ी मचा रखी है, मतलब बहुत धमाल मचाया हुआ है। तो ये धमाल चौकड़ी का बड़ा ही खूबसूरत संबंध है कि जिस समय की होली के समय ब्रज की होली की बात आती तो ब्रज की बात आती है, ब्रज की होली में गोपियों के साथ, गोप गोपियों के साथ राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं,
तो उस समय जो एक होली का एक अलग ही माहौल होता है, वो एक अलग ही एक तरह से वातावरण होता है, जिसे कि जहाँ हम शब्द धमाल चौकड़ी या धमाल शब्द लेते हैं तो वो स्वतः ही हमारे आंखों के सामने एक इमेज बननी शुरू हो जाती है कि जहाँ पर बहुत से गुलाल रंग जो है वो पूरे वायुमंडल को जो है रंगीन करता है, या रंग से भरे हुए गाल, या पूरे जो आपके जो वस्त्र हैं उस समय जो भी होली खेल रहे हैं उन सबके रंगीन चारों तरफ रंग ही रंग बिखरा हुआ है। तो ऐसे में इस शब्द को जोड़ कर देखना कि धमाल या धमा चौकड़ी, तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक जो है एक चित्र हमारे सामने जो है प्रस्तुत करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से हम होली शब्द कहते हैं, होली को अधिकतर गायन में या संगीत के संदर्भ में जब प्रयोग किया तो होरी शब्द आ जाता है। ब्रज में आप देखिए होली न कह के होरी कहते हैं, होरी खेलने जाएंगे। तो होरी जिस प्रकार से ल र हो गया, उसी प्रकार से धमाल जो है वो धमार जो है इस प्रकार से आगे चलकर आया। तो ये भी एक मत है जिसको कि कहीं पर ये सार्थक भी नज़र आता है कि होरी होली जब होरी हो सकता है कि धमाल जो है वो धमार भी हो सकता है। ये तो रही इसके शाब्दिक अर्थ की बात कि धमार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होली या फाग से जुड़ा हुआ है, या होली के जो उत्सव में जो जिस प्रकार का धमाल जो होता है, रंगों का धमाल, जिस प्रकार से पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है उसको जो है हम धमार शब्द से हमने जोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रज की बात आएगी तो वहाँ पर जो भाषा है वो भी ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग होता है। तो ब्रज भाषा में क्यों? क्योंकि जो विषय वस्तु है वो तो होरी से संबंधित है या राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, तो इस प्रकार ब्रज भाषा यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त जान पड़ती है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि श्रृंगार प्रधान जो है ये गायन शैली है। श्रृंगार जो है वो एक प्रकार का ऐसा रस है जो कि जीवन को भी रंगीन बनाता है। तो रंगीन की बात जहाँ तक है तो रंग से बात आ गई होरी की। तो देखिए सब इंटरलिंक जो कहा जाए, जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपस में इनका बड़ा खूबसूरत सा एक कनेक्शन है। तो इस प्रकार से श्रृंगार प्रधान जो है ये गायन शैली जो है वो मध्यकालीन भारत में या मध्ययुग में जो है वो प्रचार में आई। ध्रुपद में जिस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से जो ध्रुपदीय थे या बीनकार थे वो भक्ति रस को अधिक जो है उसको महत्व देते थे, उसके उसकी तुलना में यदि हम धमार को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है श्रृंगारिक होने की वजह से, थोड़ा सा विषय वस्तु के बदलने से, थोड़ा सा राधा कृष्ण की लीलाओं के का वर्णन होने से थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट हम इसको कहेंगे कि इसका रस जो है कुछ अलग आता है। तो जितनी गंभीरता जितनी समाई थी ध्रुपद में वो गंभीरता कहीं यहाँ पर कम हुई है। वो गंभीरता जो है वो श्रृंगार रस में वो गंभीरता थोड़े से एक अलग किस्म के भाव को लेकर जो है वो सामने आती है। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ और ये किस प्रकार से ये आगे आया। ऐसा भी माना जाता है कि ध्रुपद के बाद जो है धमार की जहाँ बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति के विषय में बहुत से मत हैं, जिनमें से एक मत जो है वो अधिकतर लोग मानते हैं कि अवध के नवाब सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो थे उनके द्वारा जो है ये इसका आविष्कार हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके समय में ये प्रचार में आया। बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत से मत हैं, तो जो भी है लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत सी विधा जो है वो सामने आई और वो प्रचार में उसमें इतनी खूबसूरती थी, इतना लोच था, इतना उसमें स्वरों का भाव था, इतना रस का भाव था कि वो अपने आप ही जो है वो गायन करने वाले को और श्रोताओं दोनों को जो है वो आनंदमय करती है।
तो धमार की जब बात करते हैं, धमार जो है वो एक ऐसी गायन विधा है जो कि जिसमें जो ताल का जो प्रयोग होता है वो भी धमार ताल ही कहलाई जाती है। यानी धमार को जब हम गाएंगे तो ये जिस प्रकार से मैंने कहा ध्रुपद जो है वो चौताल में गाई जाती है, या मैं कहूँ कि बंदिशें जो ख्याल है वो तीन ताल में एक ताल में इस प्रकार गाया जाता, तो धमार की जहाँ तक बात आती है धमार को सिर्फ और सिर्फ धमार ताल में गाया जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि धमार ताल क्या है। धमार ताल 14 मात्रा से निर्मित एक ताल है जिसका प्रयोग पखावज में किया जाता है और इसका प्रयोग पखावज में धमार के साथ संगति के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धमार ताल है क्या। धमार ताल, जैसे मैंने कहा कि 14 मात्रा की ताल है, इसके चार विभाग हैं। इन चार विभागों में पहले विभाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं और चौथे विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो हम कहें कि 5, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो मात्राएं हैं उनका विभाजन यानी डिवीजन जो है वो इन चार भागों में हुआ है। पहले भाग में पहली मात्रा पर सम है और दूसरे भाग जो है उसमें जब हम कहते हैं कि छठी मात्रा जो आती है उस पर हमारी दूसरी ताली होती है, और इस प्रकार से छठी और सातवीं ये दोनों दूसरे विभाग में आते हैं, आठवीं मात्रा पर खाली होती है और तीसरे भाग में आठवीं मात्रा आती है। तो इस भाग में क्योंकि 3 मात्राएं हैं तो 8वीं, 9वीं, 10वीं ये हो गया, और चौथे भाग में जो 11, 12, 13, 14 यानी 11वीं मात्रा पर पुनः एक ताली आती है। तो देखा जाए तो इस पर 2 ताली, फिर खाली और फिर एक ताली। तो इस प्रकार से इस ताल का जो विभाग का जो विभाजन है वो इस प्रकार से है। तो अब हम पहले इसके बोलों को देखते हैं और उसके बाद उन बोलों को तबले पर कैसे बजाया जाता है वो भी देखेंगे। एक बात मैंने आपको ध्रुपद के बारे में बताते हुए भी कहा था कि ध्रुपद की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि पखावज में जो है ध्रुपद जो का जो जो ताल है चौताल हो ये पखावज में ही उसको बजाया जाता है संगत के रूप में, क्योंकि पखावज जो है इस समय हमारे पास स्टूडियो में विद्यमान नहीं है। पखावज जो है वो इतने आसानी से नहीं मिल पाई है या मिलती है तो तबले पर, क्योंकि क्लासरूम जब हम टीचिंग करते हैं तो ये आज के संदर्भ में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपको पखावज उपलब्ध हो। तो कोशिश की जाती है कि तबले के द्वारा ही इन तालों को विद्यार्थियों को बताया जाए ताकि उसका एक आइडिया तो हो, एक तो ताल का ज्ञान होता है, उसके बोलों का ज्ञान होता है और दूसरा उसको किस प्रकार से बंदिश के साथ चाहे वह ध्रुपद हो या धमार हो उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी जानकारी हमें हो जाती है, एक अंदाज़ा हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद जब पखावज पर उसी ताल को बजाया जाएगा तो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन की कोई एक ज़रूरत नहीं होती है, उनको समझ में आ जाता है कि देखिए ये विभाग है, इतने विभाग हैं, इतनी मात्राएं हैं, उसके ये बोल हैं और यहाँ पर जो है ताली है और यहाँ पर खाली है, इस प्रकार से वो समझ में आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि तबला तबला है और पखावज पखावज है, उनके कुछ बोलों में जो है फ़र्क है। जैसे ग तिट तिटता तो ग दिन दिन दा, इस प्रकार से पखावज के बोल अलग हैं और इसके बोल अलग हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो होता है। चलिए पहले हम देखते हैं कि इसके बोल क्या हैं। धमार ताल के बोल हैं क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। फिर से देखते हैं क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। अब हाथ से यदि इसकी ताली खाली देखी जाए तो मैंने जैसे कहा कि पहले वाले भाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे भाग में
दो मात्राएं हैं, तीसरे भाग में तीन मात्राएं हैं और चौथे भाग में चार मात्राएं हैं। तो हाथ से ताली खाली कैसे देंगे? त धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। सम दोबारा से दिखाना होता है, नहीं तो वो समझ में नहीं आई कब ताल ख़त्म हो गई। पहली मात्रा पर आकर ही, हमेशा जब भी ताली खाली दी जाए पहली मात्रा पर आकर ही उसको संपन्न किया जाता है। पुनः देखते हैं हाथ से ताली और खाली। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो इस प्रकार से ये ताली और खाली थी धमार ताल की। अब तबले पर देखते हैं कि धमार ताल किस प्रकार से जो है वो बजाया जाता है। जो पहला क है तो उस पर ज़रा ज़ोर से ध्वनि उत्पन्न की जाती है ताकि ये समझ में आए कि वो सम है, यानी वो पहली मात्रा है। तबले पर देखिए, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो आपने देखा क धी ट धा आ, तबले पर पुनः बजाते हैं और आप देखिए यहाँ पे क्या फर्क है। क धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। तो अभी क धी ट धा आ, ये जो आ का जो एक धा को ही एक मात्रा आ करके जो है वो बढ़ाया गया है। तो वहाँ पर आप देखिए कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, वहाँ पर उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आ, जैसे क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो जहाँ पर भी आ शब्द धा के बाद या ता के बाद आएगा तो उसको हम प्रज्यूम कर लेते हैं एक साउंड की तरह, तो कि वहाँ पर वो है तो एक बोल का जो है उसी को बढ़ा दिया था। धा का आ जो है वो बढ़ जाता है, ता का आ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जिनको कि जानना ज़रूरी है। तो जब हम धमार की बात करते हैं तो धमार ताल हमने जानी कि किस प्रकार से कौन सी मात्रा पर खाली है, कौन सी मात्रा पर ताली है, सारा विस्तार। एक बार पुनः हाथ से ताली खाली देते हुए तबले पर इस ताल को देखते हैं। क धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो क पर सम पर आके उसको संपन्न करते हैं। तो ये तो थी धमार ताल, और धमार ताल की इन 14 मात्राओं में ही जो है धमार गायन होता है। अब बात आती है धमार गायन को किस प्रकार से धमार गायन होता है, किस प्रकार से उसको गाया जाता है। तो सबसे पहले धमार गायन में जो है हम नोम तोम का आलाप लेते हैं। नोम तोम का आलाप क्या है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन उसको पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं कि नोम तोम का आलाप वास्तव में ये कुछ मंत्र थे जिनको कि संस्कृत के हम कहें कुछ मंत्र थे जिनको कि गायन में बंदिश को यानी जो कॉम्पोजिशन है उसको शुरू करने से पहले आलाप फॉर्म में उसको गाया जाता था। और आलाप फॉर्म में उसको गाने का भी एक विशेष तरीका था जिसको गाया जाता था। और क्योंकि ये भक्ति प्रधान था ध्रुपद,
ध्रुपद जो है वो भक्ति प्रधान गायन शैली थी, तो नोम तोम का आलाप जो किया था तो उसमें इन भक्ति पूर्ण संस्कृत के जो श्लोक हुआ करते थे इनको गाया जाता था, और उसको क्योंकि आलाप के फॉर्म में गाया जाता था तो जाहिर सी बात है कि जो शब्द हैं या जो बोल हैं जो अक्षर हैं उनमें फैलाव जो है वो ज़्यादा था, तो वो फैलाव जो है उसको तो आलाप जो गायक गा रहा है उसको आलाप करते हुए उसको बहुत आनंद आता था, जो सुनने वाले श्रोता थे उनको भी आनंद आता था, और करते करते जब उस आलाप को संपन्न करते थे जब उसके एंड में पहुंचते थे तो वहाँ पर जो है एक तरह से एक जोर एक कहना चाहिए कि एक बल दिया जाता था किसी एक बोल पे, तो समझ में आता था कि वहाँ पर जो है वो मंत्र जो है वो संपन्न होके उस शब्द पर जो है वो उस अक्षर पर वो श्लोक जो है वो संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार ये अंदाज़ा सुनने से आ जाता था। अब ये जो मध्यकाल की ये परंपरा थी इस प्रकार से श्लोकों का आलाप जारी में आलाप के फॉर्म में उसको गाने की ये चली आ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे मैं इतिहास में देखा जाए तो भाई जब बादशाह जब महाराजा लोग थे जो इस गायन शैली को प्राश्रय देते थे संगीत को प्राश्रय देते थे जिसको हम पैट्रोनेज कहते हैं, तो वो जब पैट्रोनेज धीरे धीरे जब राजा महाराजा बादशाह लोग नहीं रहे या उनके उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य को संभाल सकें, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आक्रमण हुए या किसी और राजनीतिक कारणों से जो है एक तरह से राज्य जो है वो बिखरने लगा, तो जब राजा या सम्राट या महाराजा ही सेफ नहीं है तो कलाकार कहाँ से सेफ रहेंगे, तो ये एक बड़ी साधारण सी भाषा में मैं आपको कहूँ कि राजा महाराजा जो हैं वो उनका आधिपत्य जो है वो कम होने लगा, तो जहाँ पर जिस दिन दरबारों में कलाकार जो थे वो सुरक्षित थे और वहाँ पर उनको अपनी कला को आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिलता था, जहाँ पर कम से कम वो बिल्कुल निश्चिंत रूप में रहते थे कि ना तो उनको ये सोचना है कि उनका घर कैसे चलेगा या उनको ये सोचना है कि भाई आर्थिक रूप से वो किस प्रकार से जो है वो अपनी जीवनचर्या को बैलेंस कर पाएंगे, तो वहाँ पर क्योंकि राजा महाराजा बादशाह लोग उनको पूरी तरीके से उनकी देखरेख रहती थी, वो राज दरबार में नियुक्त हुआ करते थे तो पूरी जिम्मेदारी जो थी वो राजा की होती थी, तो यहाँ पर उनको ये पूर्ण रूप से जब संरक्षण प्राप्त हुआ तो वो अपनी इस कला को दिन प्रतिदिन उसको अपने तपस्या के द्वारा अपनी साधना के द्वारा उसको दिन प्रतिदिन उसको और आगे निखारने की कोशिश करते थे क्योंकि वो कहीं पर मानसिक रूप से निश्चिंत थे, परंतु जब ये राजा महाराजा इन लोगों के दरबार उजड़ने लगे जब ये इन यहाँ पर क्या कहें कि बाहर के आक्रमणकारियों ने वहाँ पर आधिपत्य जमाना शुरू किया तो कलाकार भी इन दरबारों से भागे और वो जाकर जो है अलग अलग स्थानों पर जो है उनको उन्होंने शरण ली, तो क्या हुआ जब ये दरबार में रहते थे तो इनका आदान प्रदान उस दरबार में रहने वाले या वहाँ पर प्राश्रय पाने वाले या पैट्रोनेज पाने वाले अन्य विषयों के जो ज्ञाता जो विद्वान थे उनसे भी इनका जो था एक आदान प्रदान चलता था, तो इस आदान प्रदान में जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जो साहित्यकार थे वो उनसे भी गायकों का जो है वो आपस में मिलना जुलना था, तो कलाएं जब दो कलाएं आपस में मिलती हैं तो कुछ और ख़ूबसूरत सी चीज़ और सामने आती है, तो जहाँ पर संगीत और साहित्य की बात है दोनों जो हैं बहुत ही आपस में इनका बहुत अटूट सा संबंध है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो भी रचना सामने आती थी वो बहुत ही उच्च कोटि की हुआ करती थी, तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको आलापचारी की बात कही नोम तोम के आलाप की बात की तो वहाँ पर जो मंत्र प्रयोग होते थे वो भी बड़े उच्च कोटि के मंत्र हुआ करते थे अर्थपूर्ण हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे जब ये प्राश्रय खत्म होता चला गया और लोगों का जो है शिक्षा एक तरह से इनडायरेक्ट जो हम कहें कि भाई आपस में जो एक मिलने जुलने से जिस प्रकार की नई चीज़ जो ज्ञान में वृद्धि होती थी वो ज्ञान जो है कहीं पर थम गया और धीरे धीरे इन मंत्रों को भी लोग भूलने लगे और इन मंत्रों को वो उनका
जो रुझान था वो सिर्फ गायन की तरफ होने लगा, यानी संगीत की तरफ अधिक वो बल देने लगे, बजाय इसके कि साहित्य को भी देखते कि भई ये साहित्य वाकई में सही है कि नहीं है, जो हम गा रहे हैं वो सही है कि उसका कुछ अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है। तो ये क्योंकि आलाप फॉर्म में इन मंत्रों को गाया जाता था तो वो आलापचारी को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा बजाय कि इन मंत्रों के। तो ये आगे चलकर जो है उनका, क्योंकि उसका विस्तार जो है तनोम तना इस प्रकार से विस्तार किया था तो विस्तार की तरफ अधिक ध्यान हो गया, तो उनका नाम आगे दे दिया गया नोम तोम के आलाप। तो इस प्रकार से जो है ये नोम तोम के आलाप जो है इनको धमार गायन से पहले भी नोम तोम के आलाप जो है वो लिए जाते थे, और धमार ताल में धमार गायन होता था। इस धमार गायन के समय जैसे मैंने आपसे बताया ध्रुपद में दुगुन तिगुन चौगुन इस प्रकार से अलग अलग लयों में जो है ध्रुपद गायन होता था, धमार में भी वही चीज़ आती थी, दुगुन तिगुन चौगुन और उपज जो है ये प्रमुख थी। लयकारियाँ जो हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से धमार में धमार गायन में प्रयोग की जाती थी। जैसे कहते हैं लय से खेलना, यानी आप ताल में तो आपका कमांड है, उसकी जो लय है उससे जो साहित्य धमार का है उसको लेते हुए स्वरों के की सहायता से उन लयकारियों के साथ जो है लयकारियाँ दिखाई जाती थी, लय के साथ खेला जाता था, और बोलों को जो है बोलों का प्रयोग जो उसमें होता था उसको जैसे मैंने बताया दुगुन तिगुन चौगुन इन लयों में जो है उनको प्रस्तुत किया जाता था। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि धमार गायन में की जाती थी। ध्रुपद की ही तरह धमार में आकार में आलाप नहीं लिया जाता था, और इसके अलावा तानों का प्रयोग नहीं था, खटका मुरकी जो है इसमें नहीं लिए जाते थे, क्योंकि ये था तो धमार गायन, विषय वस्तु चाहे अलग थी लेकिन जो तरीका जो शैली थी वो बिल्कुल ध्रुपद की तरह ही थी, ध्रुपद को ही वो फॉलो करते थे, क्योंकि ध्रुपद गायक थे वे ही धमार गायन करते थे, तो ध्रुपद के बाद ही धमार का गायन जो है वो होता था। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी धमार गायन के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि धमार को सिर्फ धमार ताल में गाया जाता था, धमार जो है उसमें उसको गाते समय पखावज का प्रयोग होता था, नोम तोम के आलाप से शुरू होता था, विषय वस्तु जो थी वो श्रृंगार प्रधान थी, श्रृंगार कौन सा होरी से या फाग से संबंधित श्रृंगार हुआ करता था। तो धमार में एक और बात थी, धमार गायन जो होता था धमार का जो साहित्य की बात थी वो अक्सर दो विभागों में थी, यानी स्थाई और अंतरा, ये दो विभाग धमार में होते थे जिसमें कि जो आज भी उनका गायन होता है। तो इनमें स्थाई गाने के बाद जो है उसकी लयकारी दिखाना उपज करना ये सब चीज़ें उसमें होती थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जिनको कि बताया गया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि धमार में जो सम आता था ये एक बड़ी ख़ास चीज़ जो है ये बताई गई है पुस्तकों में भी, विद्वानों के द्वारा भी मैंने सुनी कि धमार में जो सम आता है वो दो प्रकार के धमार कहूँगी, एक तो जो कि प्रकाशक धमार है, एक जो कि गुप्त, यानी प्रकाशक किस प्रकार से जिसमें कि सम बिल्कुल प्रकाश में आ रहा है यानी एकदम क्लियर है, आप सम को जान सकते हैं पहली बार में। गुप्त में सम जो है उसका अंदाज़ा शुरू में नहीं लगता, वो गुप्त रूप से है, एकदम सामने नहीं आ रहा। वो जब हम दो तीन बार जब हम स्थाई को गा लेंगे उसके बाद वो एकदम से सामने प्रकट होता है, तो इसे हम कहेंगे कि गुप्त रूप से जिसमें सम, ये दूसरा प्रकार था धमार का। तो ऐसी भी बातें हैं, इस प्रकार से भी धमार का गायन होता था। तो लगभग सभी जो मुख्य जो बातें हैं वो आपको मैं बता चुकी, अब एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ धमार किस प्रकार से गाया जाता है। राग जौनपुरी का धमार है, बोल है ए री ए में कैसे जाऊं पनिया भरन, रे ना तैनू रे
हिसाब से देखा जाए तो ध्रुपद से धमार गायन की लय थोड़ी सी उठी ही होती है। तो मेरी उम्मीद है कि आज के इस व्याख्यान से आपको न केवल धमार के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, बल्कि ध्रुपद से धमार गायन किस प्रकार से अलग है ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तराना, इस शब्द को आपने बार बार कई बार सुना होगा, बहुत से संगीत के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आपने सुना होगा कि जब मेन परफॉर्मेंस जो है यानी ख्याल गायन जो है उसमें विलंबित और द्रुत रचना जो है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद अक्सर कलाकार जो है तराना जो है उसको गाते हैं। तो तराना ये कौन सी शैली है? तराना जो शैली है वो शास्त्रीय संगीत की एक विशेष गायन शैली है जिसमें कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी स्वर और ताल जो है ये प्रमुख है। साथ ही साथ जो है कई बार जो बोल होते हैं अवनध्य वाद्यों के, अवनध्य वाद्य यानी पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स यानी जैसे तबला है, पखावज है, मृदंग है, तो इस प्रकार के जो वाद्य इनके बोलों को भी उसमें लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो बंदिश या जो रचना सामने आती है जो कि एक तरह से कलापूर्ण जिसे मैं कहूँगी ज़्यादा, जिसमें कि एकदम से चमत्कार सा महसूस होता है, उसे हम तराना कहते हैं। प्राचीन समय में जो जो एक एक परंपरा थी स्तोभाक्षर यानी शुष्काक्षर जिन्हें लिया था, यानी कि जब प्रबंध गायन होता था उसमें ये एक पार्ट था। जब हम प्रबंध के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको ज़्यादा अधिक समझ में आएगा। बस ये एक छोटी सी जानकारी आप लीजिए कि कुछ शुष्काक्षर थे या शोभाक्षर थे जिनको कि वो एक पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, यानी जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि एक गायन पर जब गाते हैं उस समय
एक मीटर को कंप्लीट करने के लिए यानी छंद को पूरा करने के लिए कुछ शब्दों को कुछ अक्षरों को उस पर लगाया जाता था यानी फिट किया जाता था, तो उनको हम शोभाक्षर कहते थे। तो ये जो शोभाक्षर थे इन्हीं का आगे का जो जो इनके जो बोल जाए जो जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता था उन्हीं शब्दों को लेके आगे जो है एक गायन शैली बनी जो कि तराना कहलाई। तो ये भी एक मत है विद्वानों का तराने को डिफाइन करने के लिए। तराना जो आधुनिक समय में जो गायन शैली उससे बहुत ही पॉपुलर है। और एक और बात कि जब हम वाद्यों का जब वादन हम सुनते हैं तो जैसे हम अक्सर सितार या सरोद का जो है वो वादन सुनते हैं तो उसमें आपने अक्सर नोट किया होगा कि अंतिम जो चरण होता है या लास्ट में जब भी परफॉर्मेंस को करते हो बहुत फास्ट लय में बहुत ही स्पीड में जो है वो वादन किया जाता है जिससे अक्सर बाद में झाला जो है अंत में प्रस्तुत किया जाता है। और बहुत फास्ट जो वादन तो उसमें एक तरह से रोमांच जो है वो उसका भाव सामने आता है। ये भाव वादन में तो सामने आता है तो अब हमारा एक बात आती है कि गायन में ऐसा कुछ होता है। जी हाँ, गायन में बंदिशों को इतना फास्ट नहीं गाया जा सकता क्योंकि वहाँ शब्दों का कुछ अर्थ है, उन अर्थों से कुछ भावों की अभिव्यक्ति होती है तो हम उन शब्दों को उतना फास्ट नहीं ले सकते हैं, वो असंभव है लेना। तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो है अक्षरों को लिया जाता है जो सुनने में अच्छे लगे, मधुर लगे, गायन में भी वो ईजी हो यानी उच्चारण के समय भी उसमें जबान जो है वो लड़खड़ाए नहीं, वो उतनी ही खूबसूरती से उच्चारित किया जा सके। और फास्ट लय में यानी जब लय बहुत तेज़ हो उसमें जब उसको गाया जाए तो उससे जो आनंद की अनुभूति हो वो सहज ही उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से कि हम उससे उम्मीद रखते हैं या जिस प्रकार से वादन में जब बिल्कुल फास्ट वादन होता है तो उससे हमें जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है उसी प्रकार की आनंद की अनुभूति वहाँ से हो। इसमें एक और चीज़, जहाँ लय बढ़ रही है या टेम्पो बहुत फास्ट है तो वहाँ पर जो राग का जो एक क्या कहा जाए उसकी जो जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो ख़राब ना हो, राग का जो एक माधुर्य है, राग का जो एक भाव है और साथ ही राग का जो नियम है यानी राग के जो उसूल हैं, राग के जो किस प्रकार से स्वरों का स्वर संगतियों का जो उसका एक पैटर्न है राग को गाने का वो ख़राब ना हो, उसकी शुद्धता बरकरार रहे। तो ये सब चीज़ों को जब फास्ट लय के साथ हम ले, हम भावों की अभिव्यक्ति भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शब्द जो है वो स्पष्ट भी हों, हम ये चाहते हैं कि ताल के साथ भी वो खेले या ताल के साथ उसको उसका आनंद हम उठाएं, फास्ट लय भी चाहते, तो कई चीज़ों में जो है इन चीज़ों को लेते हुए जब शब्दों में एक विशेष प्रकार का कसाव जो है वो उत्पन्न होता है, इस खूबसूरती से वो आपस में कसे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं या उनको अरेंज किया हुआ होता है तो वो किस फॉर्म में सामने आते हैं, वो तराने के रूप में सामने आते हैं। और आप अपने मुँह से भी उच्चारण करके देखिए, तन न तन न धीम, तन तन दारे दानी, तन न धीम, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये लेने फास्ट लय में बहुत आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये गायन शैली जो है तराना जिसे कहते हैं ये बहुत कुछ छोटे ख्याल से मिलती जुलती है यानी द्रुत लय की जो बंदिशें हैं हम लोगों की उसमें उससे काफ़ी मिलती, पैटर्न वही है, स्थाई और अंतरा ये दो भाग हैं और गायन की विधि भी उसी प्रकार से है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है कि तराना जो है वो द्रुत से अति द्रुत में भी पहुंच जाता है और वहाँ पर जो शब्द हैं, जो बोल हैं, जो अक्षर हैं उनको निरर्थक माना जाता है और वो आगे चल के फास्ट टेम्पो में उनको तबले की लय के साथ ही बराबर में उसको जो है वो गाया जाता है। तो ये तराने की एक बड़ी खूबसूरत सी विशेषता है। आइए इसको प्रैक्टिकल में भी देखें। एक राग है राग पूर्या धराश्री जो शाम को गाया जाता है, इस राग में तराना जो है वो इस प्रकार से गाया जाता है। Yeah.
तुम तदेर ना तदीम तदार धने तुम तदेर ना तदीम तदार धने तनन तनन तन देर ना तदार धने तुम तदेर ना तदीम तदार धने तुम तदेर ना तदीम तदार धने देम तनर देर तन दीम तनन नन दीम तन देर देर तन अब जो है ये बंदिश में आपने देखा कि बताते हैं कि स्थाई और अंतरा जैसे छोटे ख्याल में होते इसमें भी स्थाई और अंतरा है। अब जब लय बढ़ती है तो यहाँ पर जो चमत्कार या जो एक कला पक्ष है वो सामने आता है, उसमें जो है हम शब्दों पर ज़्यादा बल नहीं देते। कैसे? तुम तदेरे न तदीम तदारे धने तुम तदेरे न तदीम तदारे धने तुम तदीम तदारे तुम तदेरे न तदीम तदारे धने तुम तदेरे न dim da na 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 dim da na dim da na dim da na dim da na 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 अब ताल चलती रहेगी और इसको और बढ़ा सकते हैं। दा रे नि दा रे नि दा रे नि धीम दा रे न रे दा रे न रे दा रे न रे दा रे न 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 धीम दा रे न रे दा रे न रे दा रे न धीम दा रे न रे दा रे न रे। अब देखिए लय से भी खेल रहे हैं और धीम तननना शब्द जो है ये इस लय में उच्चारण करना आसान है। यहाँ शब्दों को हम नहीं ले सकते। धीम दा रे न रे dim da na 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 dim da na 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 dim da na 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 dim da na dim da na 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 tom ta dere na ta dim ta dare ta ni tom ta dere na ta dim ta dare ta tom ta dere na ta dim ta dere na ta dim ta dere na ta dim de ये थी जो है किस प्रकार से तराना जो गायन शैली है ये आपके सामने प्रस्तुत की गई। तराना गायन शैली जो है इसमें कुछ कुछ जो तराने हैं उनमें फारसी के शब्दों का भी प्रयोग होता है अंतरे में विशेष तौर पे, और कुछ कुछ तरानों में जो है शब्द जो हैं वो बोल जो हैं तबले के या हम कहें अवनद्य वाद्यों के बोलों को भी अंतरे में या इवन स्थाई में भी कभी कभी उसको लिया जाता है। तो ये विशेष तौर पे हम कहें कि भाव पक्ष इसमें जो है उससे कला पक्ष जो है वो सामने आता है कि भई हम जो फास्ट स्पीड जो है फास्ट टेम्पो को हम संगीत में गायन में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये तो था तराना। अब अगली जो गायन विधा है वो है ठुमरी। ठुमरी जो है उसको शाब्दिक अर्थ जो है वो लिया जाए तो ठुमरी का जो है ठुमकने वर्ड से जो है ठुमकने शब्द से जो है उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस शब्द का जो ठुमकने वर्ड से जो जुड़ाव है ये किस कहाँ तक सार्थक है इसको हम जानते हैं। ठुमरी जो है वो उपशास्त्रीय विधा जो है मानी गई है जिसमें कि अधिकतर जो है भाव पक्ष जो है
वो सामने रहता है। तो भाव पक्ष में हम देखें तो नृत्य से भी इसको जोड़ा जाता है। नृत्य जो है उसमें जिस प्रकार से भाव हाथों से, अपने मुख मुद्रा से, अपने अंगों से जो है उसको सामने रखा जाता है, उसी प्रकार से गायन द्वारा उन्हीं भावों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ये ठुमरी जो है वो गायन शैली में बिल्कुल स्पष्ट होती है। ठुमरी जो है एक प्रकार से लोकगीतों से, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश के जो उत्तर भारत के जो लोकगीत हैं उनसे प्रभावित हुई है, और वहाँ पर कहने का जो अंदाज़ है, शब्दों के जो बोलों को बनाया जाता है, किस प्रकार से उन बोलों का विस्तार करते, जैसे कि बोल बनाओ कहा जाता है, विस्तार करते हुए किस प्रकार से ताल को भी ध्यान में रखना है, तो ये जो भावाभिव्यक्ति इस प्रकार से सामने आती है वो ठुमरी गायन शैली होती है। ठुमरी गायन शैली में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो गायक है उसको हालांकि राग जो है विशेष किसी राग में जब वो ठुमरी गायक गाता है तो उस राग का तो फ्रेम पूरा रहना चाहिए, लेकिन कहीं पे इसको थोड़ी सी आज़ादी है कि राग की या बंदिश की या जो बोल है उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो थोड़ा बहुत राग में आविर्भाव तिरोभाव किया जा सकता है, यानी थोड़ा सा राग से हटकर किसी और राग में चले गए खूबसूरती के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, और पुनः जो है उसी राग में आ जाते हैं, तो वो ऐसा लंबा विस्तार नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर उसको जैसे कहा जाए ना कि ब्यूटी स्पॉट की तरह उसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि साधारण जीवन में हम कहें कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हमने एक बिंदी का इस्तेमाल किया, तो उसको हम अलग अलग प्रकार से बिंदियाँ लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम उसको पूरे चेहरे के हर भाग में चार पांच बिंदियाँ हम यदि लगा दें तो चेहरा जो है वो विभत्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि हमें सौंदर्य की जो अनुभूति है उसको मेन ध्यान में रखना है, यानी भाव पक्ष जो है वो मेन सामने रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमें ठुमरी का गायन करना चाहिए या गायक करते हैं। एक और बात है कि ठुमरी का जो आविष्कार है उसके बारे में बहुत से मत हैं, लेकिन अधिकतर जो मत है वो यही कहते हैं कि ठुमरी जो है वो नवाबों के दरबार से जो है वो प्रचार में आई। बहुत से मत ऐसे भी हैं कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उनको उनके दरबार में, क्योंकि नृत्य कथक जो है बहुत होता था उनके दरबार में, वो स्वयं भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत खूबसूरत जो है नृत्य और ठुमरी गायन के जो थे वो विद्वान थे, तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनके दरबार में या इनसे या इनके समय में जो है वो ठुमरी गायन जो है वो प्रचार में आया। खैर जो भी बात रही, लेकिन ठुमरी का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो वाकई बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला है, बहुत ही भावपूर्ण है, और यहाँ पर जो भाव है वो बोलों के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनको जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। यानी जहाँ नृत्य में एक शब्द कहा जा रहा है या एक वाक्य में एक बात कही जाती है कि मोरा मन हर लीनो शाम, वो नृत्य में अलग अलग भंगिमाओं द्वारा जो है उस भाव को अभिव्यक्त किया जाता है, तो गायन में इसको स्वरों के द्वारा बोलों को बनाकर जो है वो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये ठुमरी गायन की विशेषता है। ठुमरी गायन करना जो है वो बहुत आसान नहीं है, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि उपशास्त्रीय विधा है, उपशास्त्रीय जो है तो शास्त्रीय ताकि इसकी बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठुमरी गायन यानी जो ये उपशास्त्रीय विधा है गायन की, हिंदुस्तानी संगीत की, तो इसमें शास्त्रीय शब्द जुड़ा है। शास्त्रीयता क्या है कि भाई आप किसी एक राग को पहले जानेंगे और उसमें यदि आप थोड़ा सा ब्यूटी की तरह आप उसके भाव को उजागर करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर आप जा भी रहे हैं तो आपको कम से कम रागों की इतनी नॉलेज या इतनी समझ तो होनी चाहिए। यदि आप अपने मार्ग को किसी एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए
आपको एक सीधा रास्ता पता है, लेकिन यदि उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आप यदि थोड़ा सा अपने मार्ग में चेंज करेंगे, लेकिन उन मार्गों से तो आपको अवगत होना चाहिए कि हाँ ये मार्ग में भी हमें पूरी क्या कहना चाहिए कि एक मास्टरी है, हम जानते हैं उस मार्ग को भली भांति, उससे हम वाकिफ हैं, तभी तो आप पहुँच पाएंगे, नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो इसीलिए ठुमरी गायन के लिए जो है वो शास्त्रीय रागों की जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट है ठुमरी के बारे में जानने के लिए। और ठुमरी गायन जब करते हैं तो उसकी भी बंदिश होती है, उस बंदिश में स्थाई और अंतरा, ये दो भाग होते हैं। और इसमें शब्द जो हैं उसमें उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि एक बिल्कुल परफेक्ट कहना चाहिए एक तरह से कसाव जो है बंदिश में होती है। और इन बंदिशों में आप शब्दों से ही उसके भाव को समझेंगे और उसकी अभिव्यक्ति जो है वो गायन के द्वारा की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ठुमरी जो विधा है वो लोक की जो है या लोक संगीत है, उससे ठुमरी काफ़ी कुछ प्रभावित है। यानी लोक संगीत से कैसे, जिस प्रकार से हूक पुकार या काकू का इस्तेमाल, काकू क्या शब्द है, काकू जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कहन यानी कहने का तरीका, किस प्रकार से कहा गया है, वो उस भाव की अभिव्यक्ति उस कहन के द्वारा होती है। तो ये कहन को संगीत के भाषा में काकू कहा जाता है। तो काकू का प्रयोग यानी किस प्रकार से बोल बनाए जाते हैं, किस प्रकार से जो है उसको उस भाव को अभिव्यक्त किया जाता है, बोलों को बनाकर अपने कहने के द्वारा किस प्रकार से बात कही गई है, तो वो तरीका जो है उसे काकू कहते हैं। और ये ठुमरी गायन में बहुत ही आवश्यक है। और जैसे हम कहें कि राग के बंधनों से जो है वो मुक्त है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा हम थोड़ा बहुत उसकी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन कहीं तो हम जैसे कि हम राग खमाज में ठुमरी गा रहे हैं या भैरवी में गा रहे हैं या पीलू में गा रहे हैं, तो कम से कम वो राग तो हमें उसको थ्रू आउट हमें रखना है, थोड़ा बहुत खूबसूरती दिखाने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हम कुछ और भी स्वरों का जो है प्रयोग कर सकते हैं, जो कि राग की खूबसूरती को या बंदिश की खूबसूरती को, उसके भाव को और सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर सके। ये जो ठुमरी गायन विधा, इसमें श्रृंगार प्रधान है, श्रृंगार रस का इसमें बाहुल्य है। श्रृंगार भी दो प्रकार का है, एक है संयोग का श्रृंगार और दूसरा वियोग का श्रृंगार। संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब बिछोह या विरह। तो ये दो प्रकार के श्रृंगार हैं, तो इनका ये साहित्य में इनका प्रयोग बहुत होता है। और स्वर का और लय का जो है वो संबंध तो अटूट है, स्वर और लय जो है इसमें बखूबी इनमें प्रयोग करके जो है अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति होती है। ठुमरी की जहाँ तक बात आती है, इसमें दो प्रकार के जो है अंग वो अधिकतर प्रचलित हैं, एक है बनारस अंग की ठुमरी और एक है पंजाब अंग की ठुमरी। बनारस अंग की ठुमरी जो है उसमें ठहराव अधिक है, उसमें बोल बनाने का जो एक तरीका है वो अलग है, बोलों को जो इस प्रकार से बढ़त की जाती है कि बोलों को बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से कहन जो है वो प्रस्तुत की जाती है। पंजाब अंग की ठुमरी जो है वो वहाँ के लोकगीतों से काफ़ी कुछ प्रभावित हुई है, तो वहाँ पर कहीं पर थोड़ी चंचलता, यानी चंचलता किस प्रकार से, चंचलता है कहीं पर थोड़ा सा तानों का, मुर्कियों का, खटकों का बहुत अधिक प्रयोग होना, छोटी छोटी ताने जो है बंदिश के साथ लेना, तो ये पंजाब अंग की ठुमरियों में अधिक मिलता है। और जहाँ तक पंजाब अंग की ठुमरी का सवाल है, वहाँ पे हम कहेंगे कि बरकत अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद नज़ाकत और सलामत अली खान साहब, इनकी जो ठुमरियाँ हैं आप कभी इनके रिकॉर्ड सुनिए, आजकल YouTube में सभी कुछ उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल फ़र्क अलग नज़र आएगा। वो एक उसकी चंचलता या उसमें ठहराव का थोड़ा सा कमी, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप में बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आएगी। थोड़ा सा
उसकी लय में भी फ़र्क है, लेकिन जहाँ तक बनारस अंकी ठुमरी है वहाँ ठहराव, वहाँ बोलों को अलग अलग तरह से बना बना कर प्रस्तुत करना जो है ये बनारस अंकी ठुमरी की विशेषता है। भाषा के रूप में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है, और क्योंकि पंजाब अंकी ठुमरी में कभी कभी पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग होता है, बनारस अंकी ठुमरी जो है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, इन प्रदेशों में अधिकतर जो है वो गाई बजाई जाती है या सुनाई पड़ती है। और जहाँ तक पंजाब अंकी ठुमरी है वो उत्तर भारत में, पंजाब में तो जाहिर सी बात है, और उत्तर भारत में जो है वो अधिकतर प्रचलित है। तो एक उदाहरण इसका देंगे ठुमरी का, ठुमरी में अधिकतर जत ताल जो है वो प्रयोग होती है, तो मैं तालों के उसमें जत ताल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, एक उदाहरण के रूप में ठुमरी का बताएं। मोरा मन हर लीनो श्याम श्याम, मोरा मन हर हर लीनो श्याम श्याम, मोरा मन मोरा मन हर लीनो श्याम श्याम, हरालीनो श्याम 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 श्याम, मोरा मन हरालीनो मोरा मन कि इस प्रकार से शब्द तो वही है मोरा मन हर लीनो, अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करना, यही चीज़ जो है वो नृत्य में, ख़ासतौर पे कथक नृत्य में जो है वो प्रयोग होती है। तो ये थी ठुमरी, और एक दादरा बस संक्षिप्त में बताऊंगी, और आगे के व्याख्यानों में दादरा को और अधिक अच्छे तरीके से हम जानेंगे। दादरा जो है एक ऐसी उपशास्त्रीय गायन शैली का प्रकार है जो अधिकतर दादरा में, दादरा ताल में गाई जाती है, कभी कभी कहरवा ताल में भी दादरा गायन शैली हमें सुनने को मिलती है। और ये भी उत्तर भारत में या बिहार में, इन उत्तर भारत में काफ़ी ही प्रचलित है, और एक तरह से कहा जाए कि झूमती हुई सी लय जो है इसमें दादरा ताल में मिलती है। तो विस्तार पूर्वक उदाहरणों के साथ हम अगले अपने व्याख्यान में किसको दादरा जो है गायन शैली को हम जानेंगे। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी ने स्वयं कहा कि आगे के सेशंस में हम दादरा पर विस्तार से बात करेंगे, तब तक के लिए मित्रों हम यही चाहते हैं कि आप इस लेक्चर को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, क्योंकि जल्द हम इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और उसके उपरांत आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो इस लेक्चर के संबंध में, तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इसी के साथ हम डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी जी, गगनजीत कौर जी और लाल बाबू राय जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।